मार्केट के अंदर आपको एलईडी टीवी देखने को मिलता है, क्यूएलईडी देखने को मिलता है और ओएलईडी भी देखने को मिलता है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के टेलीविजन होते हैं ओएलईडी, वो आपको इतने ज्यादा देखने को क्यों नहीं मिलते? ले दे के कुछ ही कंपनी उससे बनाती है और उसके पीछे के रीजंस बहुत सारे। यार कुछ लोगों का कहना है बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है, एक ओएलईडी टीवी खरीदोगे ना तो उसको खरीदने की कीमत लाखों में जा सकती है। अगली चीज, उसकी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती और ओएलईडी टीवी के अंदर बर्न इन आते हैं। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि कमाल की जो इमेज क्वालिटी रहती है, जैसे कि अगर आपके फोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले है, वैसे अगर टीवी के अंदर देखने को मिले तो मजा नहीं आ जाए? वेल, एक बात बताऊं, मैं आपको बता सकता हूं कि ओएलईडी टेलीविजन का जमाना दोबारा से वापस आने वाला है और टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर भी एक और रेवोल्यूशन आने वाला है जिसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर ओएलईडी टेलीविजन में ऐसा खाकर खास है क्या जो आपको दूसरे टेलीविजन में देखने को नहीं मिलता? सबसे पहली बात, ब्लैक लेवल। ओएलईडी के अंदर आपको पता है कि इंडिविजुअल पिक्सल ऑफ हो जाते हैं, जिस कारण से आपको कमाल का कंट्रास्ट देखने को मिलता है, यानी कि ब्लैक होगा वो टोटल ब्लैक होगा, कलर्स भी बिल्कुल पंची देखने को मिलेंगे, जैसे आपके मोबाइल फोन के एमोलेड डिस्प्लेस के अंदर होते हैं। लेकिन शुरुआत से प्रॉब्लम बताऊं क्या थी कि ओएलईडी टेलीविजन है ना बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थे। जिस कंपनी ने इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो थी यहाँ पर LG। LG के टेलीविजन्स काफ़ी अच्छे थे, क्वालिटीज काफ़ी अच्छी थी, लेकिन महंगे बहुत थे। सेम कहानी फिर सोनी ने भी शुरू करी थी, जहाँ पे सोनी ने भी अपने OLED टेलीविजन्स लिए और उसके लिए जो उन्होंने पैनल यूज किया था वो भी LG कंपनी से लिया था। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पे चाइनीज कंपनी जैसे Xiaomi ने भी अपने OLED टेलीविजन्स को निकाला था, लेकिन देखा है तो सबके सब टेलीविजन आज भी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम रेंज के थे। और एक बात का भी आप लोगों ने नोटिस करी कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो सबसे ज्यादा टेलीविजन बेचती है वो सैमसंग है, और सैमसंग ने आज तक अपने ओएलईडी टेलीविजन को नहीं निकाला, और अब देखा जाए तो वो अपने ओएलईडी टीवीज को भी लेकर आ गई है। क्योंकि इससे पहले पिछले डेकेड की बात करें ना तो सैमसंग की जो पूरी मार्केटिंग थी ना वो थी यार QLED के ऊपर। QLED टीवी हम बनाएंगे और उसके अंदर वो कहते थे कि आपके टीवी के अंदर कोई भी स्क्रीन बर्नर नहीं आएगा, कमाल के कलर्स आएंगे, कमाल की चीजें आएंगी। लेकिन अब कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है, कुछ चीजें बताता हूँ। कुछ साल पहले सैमसंग जैसी कंपनी ने नॉर्मल LED LCD जो पैनल होते हैं ना वो बनाना ही बंद कर दिया। यहाँ पे बेसिकली सैमसंग डिस्प्ले होता है वो इवॉल्व कर गया है और उसका प्लान है अब आगे की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के ऊपर डेवलप करना, जिसके अंदर सबसे पहले तो वो QLED टेलीविजन को डेवलप कर रहे हैं और उसको वो अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, जिस कारण से मार्केट के अंदर आपको काफी सस्ते रेट के अंदर QLED टेलीविजन अंडर 50,000 में भी देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ ही वो OLED के अंदर नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जिसे वो QD-OLED कहते हैं। Yes, और इसी के साथ ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में वो माइक्रो LED के ऊपर भी काम कर रहे हैं और इन सब टेक्नोलॉजी को इस तरीके से बनाया जा रहा है ताकि जो पास्ट में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम थी OLED टेलीविजन की वो हटाई जा सके और एक बेटर एक्सपीरियंस दिया जा सके। यानी कि सिंपल सी बात है कि OLED के अंदर एक दो दिक्कतें थी कि यार ज्यादा ब्राइटनेस पे आप उसे देख नहीं सकते थे, QLED टीवी के अंदर आपको ब्राइटनेस ज्यादा मिलती थी। अगली चीज थी कि यार वहां पे अगर थोड़ी सी ज्यादा लाइट हो गई रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आते थे, बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी सर्फेस होती थी, स्क्रीन बर्निंग एक अलग टाइप का इशू रहता था यहाँ पे। लेकिन ये सारी चीजें उन्होंने अपने QD-OLED टेलीविजन से सॉल्व करी, जिसके अंदर वो OLED पैनल के पीछे बैकलाइट लगाएंगे और आगे क्वांटम डॉट की लेयर लगाएंगे, जिसका यूज करके पीछे की जो बैकलाइट होगी वो ब्लू लाइट निकलेगी और वहां पे RGB लाइटिंग जो निकलेगी वो आगे जो क्वांटम डॉट की लेयर होगी, जिससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको एक बेटर कलर्स का एक्सपीरियंस दिया जा सके, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जो ब्राइटनेस लेवल जो बहुत ही ज्यादा लो हुआ करते थे उसको भी पहले से ज्यादा इंप्रूव किया जा सके, यानी कि हर एक प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जा सके। सेम कहानी LG के साथ भी है, LG ने भी अपने पैनल्स को पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा एडवांस करा है और कई सारे लोग अब रिपोर्ट आ रही है कि काफी सालों से वो LG की टीवीज को यूज कर रहे हैं, लेकिन जो बर्निंग के इश्यूज है वो यहाँ पर अब देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही बात करें तो एक सबसे बड़ी दिक्कत थी यार इन टीवीज का महंगा होना। यार OLED टीवीज हमेशा लाखों के हुआ करते थे, लेकिन आपको एक बात बताऊं, आज अगर आप एक सबसे सस्ता OLED टीवी खरीदने जाओगे ना मार्केट में 70,000 से 75,000 रुपीस का मिल सकता है, वो भी बिना किसी सेल के, क्योंकि जब सेल पीरियड आएगा ना तो ये टीवीज आपके और सस्ते हो सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि एक बात नोटिस करिए, जहां 5 साल पहले एक OLED टीवी के लिए 1,00,000 रुपए के ऊपर खर्च करना पड़ता था, वो चीज अब गिर के 60-70 हज़ार तक जा रही है। मार्केट के अंदर OLED टीवीज की जो डिमांड होती है वो भी इंक्रीज हो गई और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आ जाएंगे, और हो सकता है हर एक कंपनी की बाढ़ आ जाए OLED टीवीज को लेकर। अगली चीज बता सकता हूँ मार्केट के अंदर एक और रेवोल्यूशन जो मैं देख रहा हूँ वो है 8K टीवीज का। अब आप बोलोगे यार 8K टीवी की बात क्यों कर रहे हो, 8K तो कंटेंट भी नहीं होता। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आज से 10 साल पहले 12 साल पहले की बात करें तो एक 4K टीवी 10 लाख का आता था, तब 4K कंटेंट भी नहीं होता था।
आज के समय में ये वीडियो 4K में Netflix Prime Video पे ज़्यादातर फिल्में 4K में मिलती हैं, तो 4K का कंटेंट काफ़ी तेज़ी से मेन स्ट्रीम हो गया और जो TVs होते वो भी अब अफोर्डेबल रेट में आ गए ताकि लोग भी 4K कंटेंट को एंजॉय कर सकें। लेकिन यहाँ पर क्या होगा 8K के साथ, 8K TV जो सिर्फ कुछ साल पहले तक 10 लाख का मिलता था ना, आज के समय में सबसे सस्ता 8K TV सैमसंग निकाले 3 लाख रुपये का, और 3 लाख रुपए तक अगर अभी आ गया ना तो आने वाले 3-4 साल के अंदर अंदर ये चीज़ 1 लाख रुपए के नीचे भी खिसक सकती है। हालांकि वहाँ पे OLED TV को यूज़ नहीं किया जा रहा, वहाँ पे QLED पैनल को यूज़ किया जा रहा है क्योंकि उसमें अभी भी बना पाना उन्हें थोड़ा सस्ता पड़ता है। और वही बात करूँ अगर आप लोगों से मैं 8K कंटेंट की ना, तो 8K कंटेंट अभी इतना नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके 8K का जो कंटेंट होता है वो जनरेट किया जा सकता है, और जो रेगुलर 1080p या 4K होता है उसे आप स्केल करके आप देख सकते हैं। इस टाइप की चीज़ ऑलरेडी सैमसंग ने अपने AI TVs के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे कर दी है। तो देखा तो एक नए टाइप का जो रिवोल्यूशन होता है ना वो मैंने TV इंडस्ट्री के अंदर ऑब्जर्व किया। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है, टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर अब देखा जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजीज जो थी वो धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो रही है, जैसे LED LCD पैनल हम धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, पुरानी OLED टेक्नोलॉजी भी गायब हो रही है, LG अपनी नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, वही टेक्नोलॉजी वो सोनी को दे रही है, सैमसंग अपनी QD-OLED को लेकर आ रही है। यहाँ तक कि आपको बता सकता हूँ कि जो पहले प्रॉब्लम थी ना स्क्रीन बर्निंग की, कि यानी कि आप कुछ भी टेक्नीविजन पे अपना कुछ भी शो देख रहे हैं वहाँ पे एक लोगो है वो वहाँ पे बर्न हो गया, या फिर इमेज रिटेंशन का जो इशू था, तो यार उन प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। कुल मिला के बात है कि हर एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व की जा रही है, और ये रिकमेंडेशन है कि अगर आने वाले समय में अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम टेलीविजन लेने का सोच रहे हैं तो OLED के ऊपर अगर आप कंसिडर कर सकते हैं तो कर लीजिए। आज के समय चीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है और आगे चल के चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ पे ग्लेयर फ्री टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, यानी कि अगर आप एक ब्राइट लाइट के साथ देख रहे हैं, अगर आपके लिविंग रूम में बहुत सारी लाइट है तो भी जो रिफ्लेक्शन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम से कम होगा, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और टेलीविजन इंडस्ट्री से रिलेटेड बात बता सकता हूँ कि जो चाइनीज़ कंपनीज ने टेलीविजन इंडस्ट्री को पेनिट्रेट करने की कोशिश करी थी वो ज़्यादा यहाँ पे कर नहीं पाई, और ज़्यादा जो top 3 प्लेयर्स है जो tier 1 ब्रांड में कहता हूँ वो मार्केट में लिटरली सर्वाइव कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चाहे मैं सैमसंग की बात करूँ, बढ़िया TVs बनाते हैं, LG बढ़िया TVs अभी के समय में बना रहे हैं, सोनी यहाँ पर टिका हुआ है। Yes, इसके अलावा बाकी कुछ कंपनी, जैसे वन प्लस ने बोला था कि टीवी इंडस्ट्री हम पूरी तरीके से चेंज कर देंगे, आज के समय में मार्केट से गायब है। तो सिंपल सी बात है कि टीवी इंडस्ट्री ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे R&D करती रहेगी कंपनी, नई चीज़ें लेके आएगी, लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा करेगी, वही कंपनी मार्केट में सर्वाइव कर सकती है। तो यार यहाँ पे यही कहानी होती है OLED टेलीविजन्स के कमबैक की। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए ना, सब्सक्राइब किए, एक बार कहीं मत जाना। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।